टुडे आई हैव नॉट वर्कड आउट, आई एम टेकिंग हॉलीडे फॉर माय वर्कआउट एंड आई स्पेंड टाइम विद आज़ाद के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा और अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ. किरण जी ने कुछ मेरे लिए सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है. जरा बाहर साइलेंट करा दो. तो किरण जी ने कुछ मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है तो वहाँ जा रहा हूँ मैं. क्या ऑर्गेनाइज किया मुझे खुद नहीं पता. वेल यू नो आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी प्रिविलेज. मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं अपने करियर में, जो करीबन 25 साल का करियर रहा है, उसमें मैं ऐसा काम कर सका हूँ जो मेरे मन का काम हो, जो मुझे खुशी देता हो. बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है, जो इतने प्रिविलेज होते हैं कि वही काम कर सकते हैं जो उनको खुशी मिले जिस काम में. तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसके लिए कि मुझे ये मौका मिला. ये जो ज़िंदगी मेरी कटी है 25 सालों में इस इंडस्ट्री में, और ये इतनी एक ख़ास इंडस्ट्री है जहाँ इतने काबिल और इतने टैलेंटेड लोग मुझसे पहले यहाँ पर आए हैं इस मंच पर, और मुझे मौका मिला इस मंच पर शामिल होने का, ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी. तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका. और अपने जितने राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा मौका मिला है अलग अलग फिल्में करने का, अगर ये उनकी सोच है जो मुझे यहाँ तक ला पाई है, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ. एक्चुअली मैं हर दिन को स्पेशल मानता हूँ, चाहे वो बर्थडे का दिन हो या ना हो, चाहे वो आपकी 10वीं सालगिरह हो या 50वीं हो या 25वीं हो, हर दिन ख़ास होता है. और हमें हर दिन ऐसे बिताना चाहिए कि वो हमारे लिए ख़ास दिन है, जो हम लोगों के करीब हैं, जो हमारे अजीज़ हैं, जो हमें चीज़ें ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब को हमें वैल्यू देना चाहिए. नहीं, 50 महज एक नंबर है. मुझे लगता है कि जहाँ तक उम्र का सवाल है, कहीं ना कहीं हम सब अपने माइंड में हमारी उम्र कहीं जाके थम जाती है. जैसे कि आम तौर पे मैंने पाया है, जब मैं लोगों से भी बात करता हूँ, तो जब वो अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आम तौर पे 18-20 साल की उम्र में आपको लगता है कि हाँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ. मोस्ट पीपल गेट स्टक एट दैट एज. आम तौर पे लोग उसी उम्र में अटक जाते हैं अपने जहन में. शारीरिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन मानसिक तौर पे या इमोशनली या मेंटली हम उसी उम्र में रहते हैं. तो जब मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बड़ा आंटी अंकल टाइप का आदमी है. मुझे ये, मैं भूल गया हूँ कि मेरी उम्र भी उतनी है. अपने जहन में तो मुझे लगता है मैं आज भी 18 साल का हूँ. उम्र का याद तब आती है, उम्र की याद, जब हमें कुछ फिजिकल चीज़ करनी होती है, जो हम 18 साल की उम्र में कर पाते थे बड़ी आसानी से, अब हमें मुश्किल होती है वो करने में. तो तभी उम्र का एहसास होता है या याद आती है बात. अदरवाइज एट हार्ट ऑल ऑफ अस आर यंग. आई थिंक दरअसल बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो काम हमें करना है वो हमारे हाथ में होता है. और ये बात सच है कि एक तरफ जब मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिला, उसमें इतनी भी सच्चाई है कि उस काम के लिए मैंने लड़ा खूब. जो एक लहर होती है आमतौर पे, जो एक नदी बहती है, उसके ख़िलाफ़ मैं तैरा हूँ. और मुझे उस बात की भी खुशी है कि मैंने वो आज तक वही किया है, मैंने आज तक अपने दिल को फॉलो किया है. जो कभी कभी लॉजिकल या प्रैक्टिकल या टैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो मैंने कभी नहीं की हैं. मैंने हमेशा अपने दिल को फॉलो किया है और वही काम किया जिससे मुझे खुशी मिलती है. तो उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया है, उसके लिए मैंने स्ट्रगल भी किया है, और मुझे खुशी है उस बात की. और उसके साथ साथ किस्मत ने भी साथ दिया है, क्योंकि हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, कभी कभी वो नई चीज़ होती, तो आप उसको किस्मत कह लें, आप उसको टाइमिंग कह लें, आप उसको लोगों की दुआएं कह लें, हम मेहनत कह लें, वो सबका एक आई थिंक मिश्रण होता है. मैं आपको सच बताऊँ तो मैं बर्थडे के दिन बड़ा एम्बेरस हो जाता हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं कि बर्थडे के दिन स्पेशल डे होगा. कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, उनको लगता है कि यार बर्थडे के दिन जितना उनको अटेंशन मिलता है वो उनको अजीब लगता है. तो मैं उनमें से हूँ. तो मुझे लगता है कि बर्थडे के दिन ज़्यादा अटेंशन मुझ पर ना हो तो बेहतर हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है. मैं समझता हूँ उस बात को. मुझे
मुझे लगता है कि फेलियर जो है वो बहुत ज़रूरी एक एक ज़रूरी क्या कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए. मेरे करियर की शुरुआत में मैंने कई मौके ऐसे फेस किए हैं जहाँ मेरी फिल्में कामयाब नहीं हुई, जहाँ मैंने अच्छा काम भी नहीं किया, बुरा काम किया मैंने, कभी चॉइसेस गलत हुए, लेकिन वही चीज़ें जो मेरी गलतियाँ थी, जो मेरे फेलियर्स थे, सबसे ज़्यादा सीख मुझे उन्हीं से मिली है. तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो ना सिर्फ मेरी कामयाबियों की वजह से लेकिन मेरी फेलियर्स की वजह से, क्योंकि फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो जो सीख मिली है मुझे उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ है आज तक. वेल, दंगल के लिए इस वक्त जो ट्रेनिंग हो रही है, मैं रेसलिंग सीख रहा हूँ और हरियाणवी जो मेरी डायलॉग्स हैं हरियाणवी में, मैं वो पूरा एक्सेंट समझ रहा हूँ, एक्सेंट अपने अंदर उतार रहा हूँ और हरियाणवी सीख रहा हूँ. और हाँ, तो लुक एक्चुअली हम लोग अप्रैल में शुरू करने वाले थे, इसलिए मैं अप्रैल में तैयार हो गया लेकिन अब थोड़ा हम लोग आगे शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा वक्त और लग रहा है प्रिपरेशन में. लेकिन ये भी एक मज़ा है, ये जो स्टेज है प्रिपरेशन का, ये एक्चुअली मेन मज़ा है एक्टर के लिए, ये सबसे मज़ेदार मौका होता है कि आप प्रिपेयर करें. आपको वी विल स्टार्ट इन सेप्टेम्बर. देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर उम्र में मुश्किल होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो और मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये हमारा काम है. तो उम्र को के साथ खेलना, 18 साल का दिखना या फिर 55-60 साल का दिखना, ये तो हमारा काम है. तो लेकिन आसान नहीं है बॉडी के साथ खेलना. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.